So hey guys, welcome back to the channel. My name is Abhishek and all of you guys watching the Tech Traveler Blend. तो दोस्तों हमारे पास जो है नया फोन आ चुका है अनबॉक्सिंग के लिए. आप यहाँ पे देख सकते हो Samsung Galaxy M21 जो कि एक बहुत ही बेहतरीन पीस ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी में आप बोलना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिकेशन Samsung ने इस मोबाइल फोन में आपको दिए हैं, जो कि आपको ये लगभग दो वेरिएंट में मिलेगा. एक तो 4GB रैम एंड 64GB रोम के साथ, या फिर 6GB रैम और 128GB ऑफ रोम. तो प्राइजेस तो अलग अलग है, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको सारे प्राइजेस रिवील कर दूंगा. उसके साथ साथ अगर ये दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो गाइज प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इन टू इट. तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास जो है Samsung Galaxy M21 का मोबाइल फ़ोन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. उसके साथ साथ यहाँ पे आप पूरा बॉक्स देख सकते हो. कुछ आपको इस तरीके से बॉक्स देखने को मिलेगा. आपको बॉक्स के ऊपर कोई भी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे बॉक्स खोलेंगे आप यहाँ पे देख सकते हो बॉक्स जैसे ही हम खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से एक नज़ारा देखने को मिलेगा. यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा का जो है पेपर वर्क इस तरीके से एक कागज के पाउच में मिलेगा. उसके साथ यहाँ पे ये जो है सारा आपका वारंटी का और ये जो है आपको सारा बाकी का पेपर वर्क यहाँ पे देखने को मिल जाएगा. उसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है हमारा मेन मोबाइल फ़ोन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. यहाँ पे लिटिल बिट जो है मॉइस्चर इकट्ठा हो गया है, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे. उसके साथ आपको यहाँ पे एक बैटरी चार्जर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा और एक अच्छे बिल्ड क्वालिटी का आपको यहाँ पे बैटरी चार्जर दिखाई दे रहा होगा, जो कि आपको यहाँ पे 0.5 एम्पेयर के साथ साथ 50-60 Hz और 100-240 वोल्ट तक ये आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो. यहाँ पे आपको एक पावर केबल भी देखने को मिल जाएगी. यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पावर केबल है बहुत ही अच्छी क्वालिटी के है, जो कि आपको पता होगा Samsung की जो मोबाइल फ़ोन के जो मटेरियल होते हैं वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का आपको देखने को मिल जाते हैं. तो दोस्तों जैसे ही हम इसको निकालते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ आपको इस तरीके से जो है मोबाइल फ़ोन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा. आपको जो है बहुत ही एक अच्छा और बेस्ट क्वालिटी का आपको यहाँ पे मटेरियल के साथ ये Samsung Galaxy M21 मोबाइल फ़ोन आपको देखने को मिल जाएगा. तो उसके साथ साथ यहाँ पे 6.4 इंचेस की आपको यहाँ पे स्क्रीन देखने को मिलेगी. यहाँ पे आपको एक छोटा सा जो है नॉच ऊपर देखने को मिलेगा, जो कि 20 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देता है. यहाँ पे आपको जो है ट्रिपल कैमरा का एक सेटअप देखने को मिलेगा. ये जो है ये आपका मेन कैमरा है. उसके साथ साथ ये जो है 48 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको मेन कैमरा मिलेगा. उसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल का एक कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. ये जो है आपका 5 मेगापिक्सल डीप डेप्थ कैमरा आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम मैक्रो कैमरा भी बोल सकते हैं. उसके साथ साथ यहाँ पे आपको रेगुलर फ्लैश लाइट देखने को मिलेगी. उसके साथ यहाँ पे जो है आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पे दिया गया है. यहाँ पे आपको इस मोबाइल में इनबिल्ट जो इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा. तो दोस्तों जैसे ही आप मोबाइल के पीछे देखने जाए तो यहाँ पे आपको कुछ स्पीकर्स के स्लॉट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी. उसके साथ यहाँ पे जो है टाइप सी का आपको यहाँ पे पोर्ट देखने को मिलेगा. उसके साथ साथ Samsung ने यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा काम किया है, जो कि आपको यहाँ पे 3.5 mm का जो है जैक देखने को मिल जाएगा. उसके साथ साथ अगर हम इसके साइड में देखें तो यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर टूल का जो सिम इजेक्टर होता है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा. उसके साथ अगर हम इस साइड में देखें तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन का जो बटन होता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा. उसके साथ साथ ये जो है पावर ऑन या फिर ऑफ का आपको यहाँ पे बटन देखने को मिल जाएगा. तो दोस्तों जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हो आपको कुछ इस तरीके से जो है पूरा मोबाइल फ़ोन जो है बूट अप होते हुए दिख रहा होगा. यहाँ पे आपको Samsung का जो लोगो है वो इस तरीके से आता हुआ दिखाई देगा. और इसमें अगर हम बेहतरीन एक बात शामिल करना चाहें
तो ये जो है मोबाइल फ़ोन आपको 6000 एमएएच की बैटरी बैकअप यहाँ पे देखता है। तो आराम से अगर आप कोई भी गेम खेलोगे या फिर जो रेगुलर यूज़ अगर आप ये फ़ोन करोगे तो आपको आराम से ये जो है 1.5 दिन तक जो है आपका ये मोबाइल फ़ोन आराम से आपका हर वो एक वर्क कैरी कर लेगा। तो ये सबसे बेहतरीन बात मुझे तो लगी। तो अगर आप डेली वर्क रूटीन आपका बहुत ही ज़्यादा है या फिर आप बहुत ही ज़्यादा काम करते हो तो आपके लिए ये बेस्ट मोबाइल फ़ोन हो सकता है। लगभग 15000 रुपये में ये मोबाइल फ़ोन आपको मिलेगा। ये जो है 4GB रैम के साथ 64GB रोम के साथ आपको दिखेगा। उसके साथ साथ 1.7 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके साथ आपको यहाँ पे एक्जिनोस जो कि सैमसंग का सबसे लेटेस्ट जो प्रोसेसर है एक्जिनोस 9611 प्रोसेसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे आप मोबाइल को पूरा जो है सेटअप कर दोगे उसके बाद जब आपका मोबाइल प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरीके से मोबाइल की पूरी स्क्रीन देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो है 6.4 इंचेस की आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ ये जो है आपको यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इसकी जो स्मूथनेस है बहुत ही ज़्यादा अच्छे है, आप देख सकते हो। रिफ्रेश रेट जो है इसका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ये आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हो। बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा जो है वर्क करता है और लगभग मुझे जो है सुपर एमोलेड डिस्प्ले के जो मोबाइल फ़ोन्स है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जब भी आप इसको यूज़ करोगे तो आपको जल्दी से जो दूसरा जो विदाउट सुपर एमोलेड डिस्प्ले का जो मोबाइल होता है उसमें आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो होता है वो कितना अच्छा वर्क करता है और बहुत ही स्मूथ होता है। आपको एक अलग फीलिंग आती है यहाँ पे जैसे ही आप मोबाइल इसको स्विच करते हो, बहुत ही अच्छा। और इसको मैं तो 10/10 देना चाहता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको छोटे छोटे कर्व्स भी देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, जो कि सैमसंग ने बहुत ही अच्छी चीज़ की है। ये कर्व जो है आपको एक अलग फीलिंग देती है यहाँ पे। तो दोस्तों इसके साथ अगर हम इसके पूरे स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको तो 1.7 GHz का जो है ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ 6000 mAh आपको यहाँ पे बैटरी भी देखने को मिलेगी। इसका जो कैमरा है वो बहुत ही अच्छा है। कैमरे के बारे में तो आपने इसके बारे में सुना ही होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ये फ़ोन और आपको ये Amazon या फिर Flipkart पे भी मिल जाएगा। Amazon पे आपको लिटिल बिट जो है सस्ता मिल जाएगा कंपेयर टू Flipkart। तो जो है मैं सारे के सारे लिंक जो है आपको नीचे दे दूंगा तो आप डायरेक्टली वहाँ से उसको परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों अगर हम इसके कैमरा के बारे में बात करें तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया आपको ये जो है मेन कैमरा 48 MP का आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो है 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ 5 MP डीप डेप्थ कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप इन तीनों कैमरे का यूज़ करके एक अच्छी फ़ोटो खींच सकते हो। उसके साथ साथ 20 MP आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरा मिलेगा। तो मैं जल्दी से आपको कुछ फ़ोटोज़ के सैम्पल्स यहाँ पे आपको दिखा दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो रिजोल्यूशन जो है आप लगभग 4K तक यहाँ पे रिजोल्यूशन मतलब अल्ट्रा HD जो है रिजोल्यूशन आप कर सकते हो 3840x2160 तक। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। उसके साथ साथ अगर हम इसके फ्रंट वीडियो साइज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे फ्रंट वीडियो साइज़ की जो मैक्सिमम क्वालिटी है वो जो है 1920x1080p तक आप इसको शूट कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे कैमरा स्टार्ट करेंगे तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो, आपको कुछ इस तरीके से पूरा जो है यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से अल्ट्रा वाइड यहाँ पे आप खुद देख सकते हो इतना ज़्यादा ये वाइड है। यहाँ पे देख सकते हो कितना ये जूम होता है, कितना ये पूरा जो है वाइड करता है खुद को। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम वीडियो के ऊपर आए तो वीडियो भी आप अल्ट्रा वाइड एंगल से खींच सकते हो, ये सबसे बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे जिसका आप यूज़ कर सकते हो। और जो है फिल्टर के साथ साथ
आपको ब्यूटी मोड भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से ये जो है फ्रंट कैमरा वर्क करता है, जो कि 20 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। और खुद भी देख सकते हो कितने जल्दी से जो है कैमरा स्विच होता है। तो इसका जो पूरा इंटरफेस या फिर हम इसकी वर्किंग क्वालिटी अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर हम इसके जो है फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो बहुत सारे आपको यहाँ पे जो है ऑप्शंस भी दिखाई देंगे, जो कि फोकस करना या फिर जो लाइव शूटिंग होती है, या फिर यहाँ पे मोर पे जैसे ही जाओगे तो आपको यहाँ पे प्रो मोड या फिर पैनोरामा, फूड, नाइट, सुपर स्लो मोशन या फिर स्लो मोशन जैसे हाइपर लैप्स जैसे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको बिक्सबी का जो है एक सपोर्ट भी मिलता है, उसके साथ साथ एआर इमोजी भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों साउंड क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है मोबाइल की, आप खुद ही गाना सुन के देख सकते हो। इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है, इनको क्या पता मेरे करी कितनी मेहनत सारी बातों। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है ये आपको मैक्सिमम साउंड पे इस तरीके से सुनाई देगा, तो ज़्यादा लाउड भी नहीं है, ज़्यादा कम भी नहीं है, तो मीडियम लेवल का जो है आपको यहाँ पे साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाएगी, जो कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए तो बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों अगर हम इस मोबाइल के ओवरऑल क्वालिटी के, ओवरऑल पूरा जो इसका बिल्ट है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो जो स्क्रीन आप यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रीन जो है बहुत ही बेहतरीन स्क्रीन है, मैंने यूज़ की है, लगभग बहुत ही ज़्यादा स्मूथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा स्मूथनेस। अगर हम इस मोबाइल को अच्छी तरीके से अगर होल्ड करना चाहिए तो आप खुद ही देख सकते हो अच्छी तरीके से ये होल्ड करता है। उसके साथ साथ अगर हम इसके पूरे जो है मटेरियल के बारे में बात करें तो ये जो है पूरा प्लास्टिक का मटेरियल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये प्लास्टिक जो है अच्छी क्वालिटी का पूरा जो है मटेरियल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो कैमरा है आपको उतना अच्छा जो है यहाँ पे क्रिस्प और जो क्लियर इमेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर हम इसके चार्जिंग के बारे में बात करें तो चार्जिंग लिटिल बिट स्लो है, लेकिन आपको ये बात ध्यान में यहाँ पे रखनी पड़ेगी कि इसमें 6000 mAh की बैटरी है, तो 6000 mAh बैटरी को चार्ज करने के लिए उतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने इसको एक बार चार्ज कर दिया पूरी तरीके से तो उसके बाद आपको पूरा जो है डेढ़ दिन आराम से यहाँ पे आपका जाएगा, या फिर लगभग आप एक दिन तो फुल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ साथ पूरे बिल्ड क्वालिटी के अगर हम बात करें तो बिल्ड क्वालिटी एक आपको यहाँ पे प्लास्टिक मटेरियल देखने को मिलेगा, तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा इसमें डिसएडवांटेज यहाँ पे आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो गाइज प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। उसके साथ साथ जो है आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हो, हम जो है 1000 सब्सक्राइबर के पार जाने वाले, तो गाइज प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। उसके साथ साथ आप शेयर भी करिए वीडियो, आप आए हो चैनल पे, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो गाइज प्लीज शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके फैमिली के साथ साथ, या फिर आपके किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पे आप इसको शेयर कर सकते हो जिसको ये मोबाइल परचेस करना है। सारे जो है लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली वहाँ से ये फ़ोन परचेस कर सकते हो, आपको अमेज़ॉन पे एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी वहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ।